तो दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन, और एक नए व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। हम लोग अभी पहुंचे हैं श्री अंटू पहुंचे थे दोपहर को, एंड यहां से निकलने वाले हैं टुवर्ड्स मिरिक जो कि इंडिया में पड़ेगा। तो हम लोग को एक बॉर्डर क्रॉसिंग करना पड़ेगा बिफोर 6 o'clock, अभी 4:15 बज रहे हैं। तो देखते हैं पहुँच पाते हैं कि नहीं। यहाँ पर तगड़ा ऑफ रोड होगा अपना, आते वक्त ही हमने ऑफ रोड देख लिया था यहाँ पर, तब मैंने रिकॉर्डिंग नहीं किया था एक्चुअली, तो अभी रिकॉर्डिंग कर देंगे। हटाओ ना जा, मुझको कीचड़ में गाड़ी को ठेलने का इच्छा एकदम नहीं है। एक चीज़ क्या है, ऑफ रोड पे ना हिमालयन पे सैडलिंग जब करो तो मस्ती आ जाता है। अरे पापा, ये ऑफ रोड भी नहीं है, ये तो खटारा है साला। लेकिन जैसे अभी हम मुझको दिल में खौफ लग रहा है कि जैसे ही सिलीगुड़ी घुसेंगे पूरा ही धूप और गर्मी से हालत ख़राब हो जाएगा। यहाँ पे तो वेदर इतना बढ़िया था कि दिन भर का पता नहीं चला, बट सिलीगुड़ी घुसते साथ ही धूप और गर्मी ने मार देना है। इसके वजह से बहुत ही ज़्यादा मतलब जी दिल ही नहीं कर रहा यार कि मैं वापस जाऊँ ये सुहाना वेदर छोड़ के, लेकिन जाना तो पड़ेगा ही, कल काम भी जाना है। तो भाई चलो क्या कर सकते हैं, अब एवरी जर्नी हैज़ टू एंड, हर सफ़र को ख़त्म होना ही पड़ेगा। लेकिन आज का सफ़र बहुत ही अच्छा रहा सुबह से। आप लोगों ने अगर मेरा पिछले दोनों व्लॉग देखे होंगे तो आप लोगों को दिखा होगा कितना सुहाना मौसम रहा है, कितना सुहाना राइड रह चुका है। तो एक और सुहाना राइड अभी होने वाला है अप टू मिरिक, तो बहुत ही अच्छा होगा। उसके बाद आस्ते आस्ते राइड ख़राब हो जाएगा बिकॉज हम लोग सिलीगुड़ी की तरफ जाएंगे और भी ट्रैफिक के अंदर फंस जाएंगे। लेकिन तब तक तो इन्जॉय करते हैं, आप लोग भी हमारे साथ इन्जॉय कीजिए। देखिए ये जो सुहाने रास्ते हैं, सुहानी वादियाँ हैं, वो सारा देखिए। सिर्फ सुहाना नाम का कोई लड़की नहीं है यहाँ पर, तो बस वो ये मैं आपको दिखा नहीं सकता। तो चलो चलते रहते हैं, साथ रहिए दोस्तों। यहाँ से क्या खूबसूरत लग रहा है पहाड़ी जो है, पहाड़ी में स्टेप्स के हिसाब से देखो फार्मिंग रखी हुई है, चाय पत्ती के पेड़ लगे हुए हैं, क्या खूबसूरत लग रहा है। चलो आ गए अपने मित्र सारे, इनके लिए वेट कर रहे थे, इन्हीं के लिए वेट किया जा रहा था क्योंकि वे लोग थोड़ा पीछे छूट गए थे। और ग्रुप में ना एक साथ चलने से ही बेटर है, अगर ग्रुप में निकल रहे हैं तो ग्रुप पूरा ग्रुप एक साथ चले तो ही बेटर होता है। कोई 2-4 किलोमीटर आगे, कोई 2-4 किलोमीटर पीछे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मेरे प्यारे मित्रों ऐसा हाल है कि वो जो पीछे जो नुक्कड़ दिख रहा है जहाँ से वो गाड़ी बाइक निकल रही है, वहाँ पे था श्री अंटू का मोड़। वहाँ से हम लोग मतलब वो जगह, ये जगह हम लोग पहुँचे हैं अभी। यहाँ से पशुपति जो गेट है, जो कस्टम गेट है, वो है लगभग 10-12 किलोमीटर का रास्ता यहाँ से, तो वो पहले तय करना है। उसके बाद वहाँ से मेरी और 10-12 किलोमीटर है, तो 10-20 किलोमीटर का रास्ता है जो हमें फटाफट तय करना है। अभी बोलो भाई, पीछे जो छोटा सा वाटर ब्रेक लिया उसका बहुत ज़्यादा ज़रूरत था, मुझको जम के मतलब नींद लगा, मुझको ऐसा नींद लगा मुझको कुछ देर के लिए कि मुझसे गाड़ी चलाया नहीं जा रहा था। तो जैसे ही वो श्री अंटू का जो मोड़ है वो जैसे ही क्रॉस किया, मुझको लगा कि भाई रुकना ही पड़ेगा। तो मुझको किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ा, ये लोग खुद ही रुक गए थे वहाँ पे, क्योंकि जो अपना रॉनी भाई है, रॉनी को फ्यूल अप कराना था तो उसको रुकना ही था, रुकना ही पड़ा। तो इसके वजह से छोटा सा ब्रेक हुआ, बहुत ही अच्छा हुआ वो ब्रेक लेके। आप लोगों को भी मैं यही सलाह दूंगा कि कभी भी जब राइड पर निकलो अगर नींद आ जाए तो रुक लो, थोड़ा पानी पी लो, थोड़ा देर बॉडी को हिला लो कि बॉडी फिर से एक्टिव हो जाए,
क्योंकि दिन भर गाड़ी चलाते चलाते ना बॉडी एक टाइम पे सुस्ता जाता है, तो वैसा वाला रिस्क मत लीजिएगा कि आँख में नींद आ जाए और फिर भी गाड़ी चलाते रहो, ऐसा वाला काम मत करना। जब भी ऐसा सिचुएशन आए तो थोड़ा उतर के खुद को थोड़ा एक्टिव करके फिर निकलो। तो भाई दोस्तों, ऐसा है कि बंदे अपने सारे रुक गए हैं फिर से यहाँ पे, रुक के ये लोग ये शायद ब्रिज पे चढ़ना चाहते हैं और बुद्ध का जो स्तूपा है वो देखना चाहते हैं, जो मूर्ति है। तो करना क्या है? यही से गोल लागी हो गया ना। तो भाई हम लोग पहुंच गए पशुपति जो बाजार है। अब पशुपति बाजार से यहाँ पे कहीं पे बॉर्डर है, बॉर्डर हमें पार करना है। मुझे एग्जैक्ट पता नहीं बॉर्डर कहाँ पे, इन्हीं को पता है। तो दोस्तों, हमने अभी यहाँ पे पशुपति का जो चेक पोस्ट है पीछे है वो अभी हमने क्या बोलते हैं उसको पार किया है। अब एक चीज़ बढ़िया, बहुत बढ़िया पता चला कि जब काकरबिटा से घुसते हैं तो हम लोगों को रूट परमिट वगैरह का ज़रूरत नहीं होता, लेकिन अगर यहाँ से निकल रहे हो तो आपको रूट परमिट का ज़रूरत है। आपको रूट परमिट बनाना पड़ेगा ऊपर से और फिर निकलना पड़ेगा, लेकिन शायद कुछ अलग झोल झाल है यहाँ पे, मुझको एग्जैक्ट पता नहीं। वो भैया ने बहुत बढ़िया चक्कर चला दिया, तो कोई बात नहीं, चलो होते रहते अपने साथ भी। तो अभी निकलते हैं यहाँ से, निकल के यहाँ से ये जो रास्ता देख रहे हैं यहाँ से जाएंगे मिरिक, एंड मिरिक पे जाके थोड़ा हम लोग रिलैक्स करेंगे, ब्रेक लेंगे। तो भाई ये जो पेड़ लगे रहते हैं ना, ये पेड़, इन पेड़ों से ये पहाड़ी की शान है, खूबसूरती इन्हीं पेड़ों की वजह से आ जाती है। और ये जो बढ़िया रास्ता मिल जाता है, ऐसे पेड़ एक साइड में दोनों साइड पे लगे रहे, अरे वाह भाई, और क्या कहने, रास्ते का जो लुक है ना वो पूरा चेंज हो जाता है। अच्छा, तो ये नेपाल है, ये रास्ता के इस पार इंडिया है, वहाँ पे नेपाल है। ये दिखाने के लिए बंदा रुक गया था, चलो वो नेपाल है, ये इंडिया है, बढ़िया है। यहाँ से अगर हम लोग यहाँ से टर्निंग मार दें तो नेपाल पहुँच जाएंगे। ये हो गया OKT टी एस्टेट। यहाँ पे बहुत ही बढ़िया टी का टूरिज्म होता है। टी टूरिज्म मतलब आपको पैकेज रहता है, आपको घुमाते हैं, बढ़िया बढ़िया जगह घुमाते हैं, टी कैसे चाय पत्ती के जैसे आपके फैक्ट्री वगैरह में कैसे बनती है चाय पत्ती वो दिखाते हैं। जैसे हम लोगों को सिर्फ पता है चाय, ज़्यादातर लोगों को पता है कि चाय पत्ती जो होती है पत्ती से निकलती है और उसको रोलिंग किया जाता है, लेकिन उसमें बहुत सारे मशीन चाहिए होते हैं, बहुत सारा काम किया जाता है, तो उसका एक टूर दिलाते हैं ये लोग। और कुछ नॉमिनल चार्जेस भी ज़रूर होगा ही, कितना है मुझे नहीं पता, कितना है मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। मेरा गाड़ी बहुत अचानक से जंप किया, क्यों कि हम लोग पहुंच गए हैं मेरे एक लेक साइड का पार्किंग जोन पे। यहाँ पे पार्किंग का टिकट का पैसा दे दिया हमने, आगे जाएंगे लेक साइड पे अभी। तो चलो 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 चलते हैं। और ये आ गए हम लोग मिरिक लेक साइड। अभी मिरिक लेक साइड नहीं रहा, अभी आ गए हम लोग मिरिक लेक। ये देखो सूरज डूबने से पहले पहले पहुंच चुके हैं, तो दिल को सुकून ही सुकून आ गया मुझको कि हम लोग सूरज डूबने से पहले पहुंच गए हैं। तो
तो दोस्तों आ गए हैं मेरे लेक पे। वाह, बहुत दिन बाद आए। तो फ्रेंड्स पहुंच गए हैं मिरिक लेक एंड अभी इस अंधेरा होने वाला है तो राइड्स बोट राइड तो होने से रहा, बट हम लोग अपना टारगेट आज का दिन का कंप्लीट कर चुके हैं। टोटल में 3 स्पॉट्स, बढ़िया स्पॉट्स घूम लिए। मिरिक लेक उधर जाएंगे नहीं शायद, आप लोगों को यहाँ से मैं मिरिक लेक दिखा देता हूँ। अब ये जो देख जगह है ये बोटिंग वाली जगह है। तो जो मैं क्या बोल रहा था, अब पहले जो था ये जगह पे पूरा पार्क जैसा था और सब लोग बैठ सकते थे पूरा एरिया, अभी वो कवर कर दिया और यहाँ ये वाला पूरा एरिया जो था पहले पार्क जैसा था और हम लोग उधर ही बैठते थे, पिकनिक वगैरह खेलते थे, मनाते थे तो उधर ही करते थे और बहुत सा एरिया चल के आके फिर हमें ये ब्रिज मिलता था। अभी एक्चुअली जगह बहुत छोटा कर दिया उन लोगों ने, इसके वजह से मेरे हिसाब से क्या हो गया ना, जो पिकनिक का जो एरिया था वो बहुत कंजेस्टेड हो गया और इन लोगों ने पिकनिक से ज़्यादा मेरे हिसाब से लोकलाइट्स ने इसको इसलिए किया है कि उनका जो टूरिस्ट जो होटल इंडस्ट्री है वो थोड़ा और फैल पाए, बिकॉज़ लोग पिकनिक मनाने के लिए बाहर से ही खाना वगैरह लेके आ जाते थे। देखो अपना बंदा हेलमेट पहन के घोड़े पे चढ़ गया। विश्वदीप विश्वदीप आ जाओ, घोड़ा लेके बंदा चढ़ गया। तो बंदा अपना हेलमेट पहन के घोड़े के ऊपर सवार हो गया। तो फ्रेंड्स बहुत देर से हम लोग मिरिक में ही हैं एंड मिरिक में अभी अंधेरा हो गया, एक्चुअली 7 बज गया एंड यहाँ पे काफ़ी रंगारंग माहौल बना दिया हम लोगों ने। यहाँ पे जो गाना बजाना चल रहा है एक्चुअली हम लोग उसका कृतित्व ले सकते हैं बिकॉज हम लोग गाना चला के थोड़ा डांस कर रहे थे तो बाकी टूरिस्ट भी साथ में इंक्लूड हो गए, अब उन लोगों ने अपना गाना चलवा लिया है। लेकिन चलो इसके साथ ये व्लॉग यहाँ पे ख़त्म करते हैं। देखते रहिएगा और मुझको कमेंट्स करते रहिएगा, कहाँ जा सकते हैं सजेस्ट कीजिए। अंटिल देन गाइस स्टे सेफ राइड सेफ, आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। কোথায় পড়ছো? জাস্ট আমি আমার সামনে আমারই মিস্টেক হয়েছে। কি হয়েছে ওটা? ওখানে ওইটা কি হয়েছে? ই আগে না ওইটা কি হয়েছে? ওখানে কি হয়েছে? এটা মরি গেল। আচ্ছা আচানক রোড মে রাত কো টাইম আনে সে কেসে পাতা চলেগা? अब दोस्तों ऐसा हुआ कि रॉनी थोड़ा स्पीड गाड़ी चला रहा था वहाँ पे, उसकी भी गलती एग्जैक्ट नहीं बोल सकते हैं लेकिन गांव एरिया में क्या होता है कि अगर आप किसी चीज़ को भी ठोक दो तो फिर आपकी ही गलती मानी जाती है। अब बंदे ने जब क्रॉस कर रहा था वहाँ से तो सुअर आ गया बीच में और इसने सुअर को उड़ा दिया। ये खुद भी गिरा, काफ़ी चोट आई उसको, उसका टैंक एक तरफ से पिचक गया है और काफ़ी चोट आया गाड़ी में। इस बंदे का भी हाथ एक तरफ से हिल नहीं रहा ठीक से, टूटा तो नहीं है लेकिन डिसलोकेट शायद हो गया है, तो अभी लेके जा रहे हैं हॉस्पिटल। दूसरी बात है कि कॉम्पेंसेशन देना पड़ा, तकरीबन 4,000-4,500 रुपये कॉम्पेंसेशन देना पड़ा एंड सुअर का जो प्राइस है वो दिया, दे के निकले हैं। अभी जो होने वाला है वो मैं बता देता हूँ क्या होने वाला है। वहाँ पे जितने भी भाई बंधु वहाँ पे जमा हुए थे, जो लोग सुअर के ओनर के लिए बात कर रहे थे, वो लोग उसमें से 500-500 रुपया लेंगे और सुअर के ओनर को 1,000-2,000 रुपया मिलेगा, बाकी का वहाँ पे दारू पी लेंगे सारे के सारे। तो हमें पता है क्या होने वाला है, इसी की वजह से 8-10 बंदे जमा हो गए, सभी लोग वो सुअर के ओनर के फेवर में ही बोल रहे थे। चलो जो भी है, बला तो टली। वहाँ पे बंदा देखो एक अभी दिख नहीं रहा होगा एक्चुअली, बट बंदा एक तरफ से ऐसे हाथ टेढ़ा करके गाड़ी चला रहा है बिकॉज उसका हैंडल बार टूट गया है, और हैंडल टूटा तो नहीं है, हैंडल बार पूरा ही टेढ़ा हो गया, नकल गार्ड एक तरफ से निकल ही गया पूरा, वो तोड़ के निकालना पड़ा मुझको। तो खैर छोड़ो,
ऐसे भी लोग हैं बोलते हैं बाइक रख के जाओ, हेलमेट रख के जाओ, गोप्रो रख के जाओ, सब कुछ रख के जाओ। साले तेरी औकात है बाइक की? एक सुअर में तेरा एक बाइक आएगा? मुझको लग रहा था मैं बताऊं कि भाई तुम्हारे एक सुअर में तुम्हारा एक बाइक आ जाएगा, एक गोप्रो की कीमत में 2-4 सुअर आ जाएंगे। ऐसा भी बोल दिया कि ये बड़ा होता तो 25,000 का बनता। तो मतलब इस बड़ा क्यों फिर भाई? इसके बच्चे होते 5-6, वो 25-25,000 के होते हैं, उनके बच्चे होते हैं वो 25-25,000 के होते हैं, तो 2-4 करोड़ का बिल लगा दो।